मेरा मजाक बहुत उड़ाया गया है एज अ चाइल्ड, एज अ टीनेजर, एज इवन अ सिंगर. सिंगर ऐसे कपड़े नहीं पहनते, तू गाना गाएगी या मॉडल बनेगी, यू नो विमेन ऐसे कपड़े नहीं पहनती. सो इट ऑब्वियस नॉट जस्ट मुझे जब ट्रोल करते हैं, जब दूसरों को भी ट्रोल करता है फील वेरी बैड, बट आई गेस यही दुनिया है. Okay, fashion wise looking very hot. Thank you so much. See? And a big, big congratulations. Thank you. Thank you so much. बस अब आपने ऑलरेडी दिल जीत दिया मेरा. थैंक यू सो मच. मैंने जैसे आई थिंक वही कि मेरा मजाक बहुत उड़ाया गया है एज अ चाइल्ड, एज अ टीनेजर, एज इवन अ सिंगर. सिंगर ऐसे कपड़े नहीं पहनते, तू गाना गाएगी या मॉडल बनेगी, यू नो विमेन ऐसे कपड़े नहीं पहनती, तो 39 ड्रेस अप लाइक एन ओल्डर वुमन, मतलब बहुत बातें सुनी सुनाई गई हैं. फिर कभी अगर आपने बहुत बड़ा हाई डिज़ाइनर नहीं पहना तो उस पर आपकी खिल्ली उड़ाई गई है. जो बड़े बड़े ब्लॉग्स हैं हमारे इंडिया में जिनका यही काम रहता है कि रेड कार्पेट पर किसकी हमने खिल्ली उड़ानी है, तो ऐसे लोगों ने बहुत खिल्लियाँ उड़ाई हैं मेरी. तो मुझे बहुत खुशी होती है आज की व्हेन पीपल टेल मी आर फैशनेबल ना, तो मुझे लगता है हाँ मुझे तो हमेशा पता था लेकिन आज आपको पता लग गया, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. बहुत पिंच हुआ है, मैं तो बहुत सेंसिटिव हूँ मैं, और मैं कभी ये बात छुपाई नहीं है. लोग कहते हैं आप सेलिब्रिटी हो आपको हार्ड होना चाहिए. भाई हार्ड होंगे तो आर्टिस्ट कैसे बनेंगे, तो गाना कैसे लिखेंगे, रोएंगे नहीं दिल दुखेगा नहीं तो कैसे गाना गाएंगे. तो आई एम नॉट हार्ड एट ऑल एंड मुझे दुख होता है, मुझे लोगों की मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसे सोचते ही कैसे. सो इट ऑब्वियस नॉट जस्ट मुझे जब ट्रोल करते हैं, जब दूसरों को भी ट्रोल करता है फील वेरी बैड, बट आई गेस यही दुनिया है. दो क्वेश्चन हाँ जी. एक प्रेशर रहता है कि जल्दी जल्दी गाने निकाले हैं, बट मैं कल ही अपने आप से बोल रही थी कि मैं गाने लिख रही हूँ कर रही हूँ, बट मैं निकालूंगी तब जब मैं कन्विंस्ड हूँ कि मुझे ये गाना बाहर निकालना है. सो देर आर 2-3 सॉन्ग्स आई एम वर्किंग ऑन, मैंने फिल्म्स में भी गाया है, वो तो जब आएंगे आएंगे, बट डेफिनेटली आप जल्दी कुछ सुनेंगे जुलाई अगस्त. बट जस्ट आई नीड सम टाइम टू ब्रिंग माई बेस्ट आर्टिस्टिक सेल्फ फॉरवर्ड.